हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मैं चिराग ही जला रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो आज है फर्स्ट नवरात्रि, तो ये देखिए बाबू आ गया है। तो मैंने ना यहाँ पर पेपर बिछा के और यहीं पर मैंने माता को रख लिया है। और ऊपर मंदिर है तो मैं ऊपर बैठ के नहीं कर पा रही थी क्योंकि बाबू था, तो फिर मैंने नीचे ही रख लिया था। सो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए ऊपर है मेरा मंदिर यहाँ पे। तो ऊपर खड़े होकर नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बैठ के कर रही थी, फिर बाबू भी था तो यहाँ पे मैंने चिराग ही जला दी है। और वो मतलब वो क्या है ना कि थोड़ा सा जल्दी था तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि और भी काम बाकी थे। क्योंकि बाबू की 9 बजे क्लास आती है ना, तो फिर उसको भी देखना पड़ता है, तो इस वजह से। तो ये देखिए पूजा मैंने कर ली है, तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ तुलसा जी को जल देने, आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं तुलसी माता को जल दे देती हूँ और सूरज की मतलब लाइट पड़ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है अजीब सा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको आगे चल के, बने रहिएगा। हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बबीता नीरज ब्लॉग में जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें स्माइल के साथ, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो पूजा वगैरह तो मैंने कर ली थी और आपने जैसे कि देखा, और उसके बाद मैंने मतलब खाने के लिए कुछ बनाया था वो खाया। और मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, जब व्रत हो या फिर कुछ त्यौहार हो तो मतलब वो ऐसे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई थी, गर्मी बहुत हो रही है, मेरे ना चेहरे पे पसीना आ जा रहा बार बार, उधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और कैसे हैं आप सभी ये भी बताना कमेंट में। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पूजा हो गई थी और मैंने खाने के लिए भी कुछ बनाया था, और बच्चे को नहलाया धुलाया, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। 2 बच्चे रेडी हो गए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी बच्चों को। तो बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, और उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। और ऐसे अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, आप लोग देख सकते हो। और इसका मैं मतलब ब्लाउज नहीं सिलाया अभी, तो मैंने इसके ऊपर ये वाला ब्लाउज डाल लिया था। मैं अभी आपको और दिखाती हूँ कि ये साड़ी कैसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये कुछ इस तरीके की है। तो ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। और मुझे ना ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाली साड़ी ना मतलब मैंने मीशो से मंगाई हुई थी। तो ये देखिए और बताना ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है। बच्चे अभी दोनों खेल रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो बच्चे सोना चाह रहे हैं, मैंने उनको चेक करा, तो बच्चे इनके प्यार ना छोटे छोटे हैं तो मतलब उनको पता नहीं है तो वो बोल जाते हैं। तो चलिए बताने मेरी वाली साड़ी कैसी लग रही है। और चलिए मैं बच्चों को दिखाती हूँ, बच्चे भी दोनों तैयार हो गए हैं। और बताना, तो चलिए पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए, और मैंने कानों में कुछ नहीं डाला क्योंकि ना मुझे कान दुख रहे हैं, मतलब जब शादी ब्याह में जाना तो थोड़े से हैवी पहन लेते ना तो दुखने लगते। तो मैंने बहुत दिन से डाले रखे थे, ये छोटे छोटे डाले हुए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनसे ही मैं अपना काम चला रही हूँ। क्योंकि अभी तो कहीं आना जाना भी नहीं क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, और इसी वजह से कि कहीं जाना नहीं है तो चलो घर में तो कैसे भी पहन लो। और मैंने ये डाला हुआ है साड़ी पे, क्योंकि मैंने और कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि गर्मी है ना, मन नहीं कर रहा था, बस ये डाला है। इसको भी मैं निकाल दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो चलिए बच्चों को दिखाती हूँ, बच्चों से मिलवाती हूँ, बने रहिएगा। आ गई बच्चों के पास और बच्चों से हेलो करवाऊँ। बस हेलो करो बेटा, हेलो करो बाबू, हेलो कर दो, हेलो हेलो। और ये देख रहा है, मनी हेलो करो, आप हेलो करो बेटा, आओ। तो ये देखिए ये भी मतलब नहला दिए थे मैंने दोनों बच्चों को सुबह ही। और ये देखिए, और ये मतलब अभी क्लास व्लास कर लिए, इसकी क्लास आती है ना तो 9 से 1 9 बजे आती है और 1 10 बजे आती है। तो दोनों क्लास कर ली हैं इसने। और अभी मैं थोड़ा सा फ्री थी, मैं चलो अपने ब्लॉग का ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए ये गोलू बैठे हैं, स्याही सारे में फैला रखी। गोलू नब्बू नब्बू देखो, हेलो कर दो, हेलो करो बेटा। तो ये ना मतलब भाग रहा है, अब नहीं बोलेगा, वैसे ना मतलब खूब बोलता रहता है मनी, और वैसे ना मतलब ये खूब ज़्यादा शोर मचाता रहता है। और ये देखिए मेरी साड़ी कुछ इस तरीके से है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको बिस्तर पे ही बैठी हूँ, आप लोग देख सकते हो, ये बच्चे दोनों खेल रहे हैं। हेलो करो बेटा, हेलो, हाँ हेलो करो नब्बू,
डॉक्टर से हेलो करो। तो अभी मतलब छोटे वाले को अभी पता नहीं है ज़्यादा, मतलब कैसे हेलो करते हैं, और मतलब कभी कभी बोलते हैं तो करता है, ऐसे ऐसे ज़्यादा नहीं करता है। और ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, और अपने ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए घूम रहा बेटा मेरा। तो चलिए, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और ऐसे अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना। तो चलिए गाइस, बाय 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 करो। मनु बाय, मनु बाय बोलो, बाय। तो चलिए।